नमस्कार प्यारे दर्शकों, देवगुरु एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी में आज आपको बताऊंगा अंक ज्योतिष के अनुसार नाम से और हस्तरेखा से आप अपनी जन्म कुंडली में, प्रश्न कुंडली में और अंक कुंडली में कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, क्या आप कभी चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीतने का योग है कि नहीं। इसी विधि से मैंने लोकसभा चुनाव के लिए एक प्रेडिक्शन की थी बस्ती लोकसभा के लिए, जो कि एकदम सत्य साबित हुई थी। आज उसी विधि से मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं कि नहीं, चुनाव में आपको सफलता मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। इसी विधि से आप अगर सरकारी नौकरी नहीं तो अन्य किस क्षेत्र में जा सकते हैं, आपको यह भी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डेमो के रूप में मैंने एग्जाम्पल देने के लिए आपको यहाँ पर एक नाम लिया है, रत्नेश तिवारी। यहाँ पर आप देखिए, रत्नेश तिवारी नाम मैंने लिया है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई मिलेगा कि किस अक्षर का अंक कौन सा है। रत्नेश तिवारी में जो जो अक्षर हैं उनका अंक यहाँ से मैंने ले लिया है। इसी प्रकार आपको अपना नाम लिख लेना है और यहाँ से अंक लेकर के लिख लेना है। अंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप अपने नामों को यहाँ पर लिख लेंगे, अपने नाम और उनके अंकों को लिख लेंगे। उसके बाद आप यह देखेंगे कि कौन सा अंक कितनी बार आया है। जो अंक 3 बार से अधिक आया है उसको आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर एक अंक 1 3 बार आया हुआ है, 5 अंक 3 बार आया हुआ है और 9 अंक 4 बार आया हुआ है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है कौन सा अंक कितनी बार आया। जो 3 बार हो या 3 बार से अधिक हो उसको आपको लिख लेना है। अब जो अंक अधिक मात्रा में है उन अंकों का आपके नाम पर अधिक प्रभाव है। उन अंकों का आपके नाम पर अधिक प्रभाव होने का मतलब यह हुआ कि उस अंक के जो ग्रह हैं उन ग्रहों का प्रभाव आपके नाम पर ज़्यादा है। तो एक अंक 3 बार आया हुआ है तो एक अंक का स्वामी सूर्य हुआ, यानी सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में पर्याप्त है। 5 अंक आया हुआ है 3 बार। अब यहाँ पर 5 अंक का स्वामी बुध होता है तो बुध का भी प्रभाव आपके नाम पर अधिक है। 9 अंक आया हुआ है 4 बार, 9 अंक का स्वामी होता है मंगल, यानी मंगल का आपके नाम पर सबसे ज़्यादा असर है। अब बात करेंगे निर्धारण की कि आप कैसे निर्धारण करिए कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इस नाम में 5 अंक 3 बार आया हुआ और 9 अंक 4 बार आया हुआ है, तो 4 मतलब मंगल हो गया और 5 मतलब बुध हो गया, 1 मतलब सूर्य हो गया। सरकारी नौकरी के जो कारक ग्रह हैं वह सूर्य और बृहस्पति हैं। सूर्य का संबंध दूसरे से या बृहस्पति का संबंध बनेगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब यहाँ मंगल 4 बार है तो ऐसा व्यक्ति सेना, पुलिस या अग्नि विभाग में, अग्नि से संबंधित कार्य वाले विभाग में, चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है तो सूर्य भी 3 बार आ गया है। सूर्य का अंक 3 बार आया हुआ है और मंगल का अंक 4 बार, इसलिए आपको मंगल सेना पुलिस से संबंधित है, अग्नि विभाग से संबंधित है, सूर्य सरकारी नौकरी से संबंधित है, तो ऐसे विभाग में आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरा, सूर्य सरकारी नौकरी को इंडिकेट कर रहा है और बुध का अंक भी 3 बार आया हुआ है। बुध शिक्षा क्षेत्र में लेकर के जाता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, कोचिंग में, स्कूल में या फिर कोई ऐसा काम जो बौद्धिक कार्य हो उन क्षेत्र में लेकर के जाता है। तो इस व्यक्ति का सेना पुलिस में योग बनेगा और शिक्षा क्षेत्र में योग बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका सूर्य का अंक कम है लेकिन गुरु का अंक 3 अंक आया होता, वह ज़्यादा बार होता, तो भी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। मतलब अगर सूर्य के अंक बार बार आए और बृहस्पति के अंक बार बार आए तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी।
और यही योग लागू होगा राजनीति में भी। अगर आपके नाम में सूर्य का अंक और बृहस्पति का अंक अधिक है, अधिक बार रिपीट हुआ है, तो आप चुनाव में जा सकते हैं। अब जिस व्यक्ति से आपका चुनाव में प्रतिस्पर्धा है, उस व्यक्ति का भी नाम निकाला जाएगा। अगर उसकी कुंडली में सूर्य और गुरु और मंगल, इन तीन ग्रहों के अंक अधिक बार आए और आपकी आपके नाम में कम बार आए, तो वह व्यक्ति आप पर हावी पड़ेगा। मतलब सूर्य, गुरु और मंगल की के जो अंक हैं, जो गिनती है, जिस नाम में अधिक बार रहेगा वह हावी पड़ेगा। तो ये हो गया सरकारी नौकरी को जानने का तरीका। अंक ज्योतिष से सूर्य के अंक और गुरु के अंक अधिक बार आएंगे तो आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा, और जिस ग्रह के अंक सब और अधिक बार रहेंगे, सूर्य और गुरु, आपको उसी के क्षेत्र में सरकारी नौकरी में लेकर के जाएंगे। अब बात करते हैं हस्तरेखा से। हाथ में आप कैसे देख के जान सकते हैं कि सरकारी नौकरी का योग बनेगा या राजनीति में जाने का योग बनेगा? ये दाएं हाथ का प्रिंट है, दाएं हाथ को आपको देखना है। अगर आप राइट हैंड वर्क करते हैं तो, लेफ्ट हैंड वर्क करते हैं तो आपको बाएं हाथ देखना होगा। अब आपके दाएं हाथ में अंगुष्ठ है, ये तर्जनी हो गई, मध्यमा, अनामिका और ये कनिष्ठिका। जो ये अनामिका उंगली है, यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, अनामिका उंगली पर देखिए, यहाँ का पर्वत अगर ऊपर उठा हुआ हो, उभार हो इस स्थान पर, तो आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर यहाँ इस स्थान पर कोई वलय बन रहा हो, वलय मतलब ऐसी ही एक कोई रेखा बन रही हो, तो भी आपको सरकारी नौकरी का योग होगा। वह वलय जो है, अगर यहाँ पर ही नहीं, ऐसे कोई रेखा बन रही होगी, यानी शनि पर्वत को और सूर्य पर्वत दोनों को घेर रही होगी, तो भी आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। किसी भी दो पर्वत को कोई वलय घेरेगा तो आपको नौकरी का योग बनेगा। मान लीजिए वह वलय यहाँ पर बन रहा है, तो भी आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसके अलावा अन्य योग जो होंगे, आपके हाथ में यह सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर किनारे देखिए, क्या कोई रेखा ऐसे निकली हुई है? अगर कोई रेखा निकली हुई है तो उसको सूर्य रेखा बोलते हैं। अगर यह रेखा स्वच्छ, साफ, सुंदर हो तो आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। इसके अलावा यह रेखा आपकी कुंडली में बनी हो, हस्त रेखा में बनी हो, इसके साथ ही साथ कोई रेखा आपके नीचे हाथ से होकर के शनि पर्वत की तरफ जाती हो, जिसको हम भाग्य रेखा बोलते हैं, तो यह योग और प्रबल हो जाता है। अगर किसी की कुंडली में ये दोनों रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति अच्छा राजनीतिज्ञ होता है, सरकार से लाभ कमाता है, सरकारी विभाग में होता है अथवा सरकार में ही होता है। ये दोनों रेखाएं होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी लाइफ लाइन होती है, आयु रेखा होती है, अगर वह रेखा ऐसे गई हुई है और आपकी यहाँ पर जो है, आप जानते हैं, ये मस्तक रेखा जाती है और फिर हृदय रेखा जाती है, अगर आपकी कुंडली में आयु रेखा और भाग्य रेखा के बीच में जो ये स्पेस आता है, अगर यह स्पेस बंद हो जाए, जिसको कहते हैं यह कमरा बंद हो, तो भी आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। अगर आपकी कुंडली में मणिबंध को आप देखिए, आपकी कुंडली में मणिबंध नीचे कलाई पर होता है, अगर यहाँ पर तीन रेखाएं हों, मणिबंध की तीन रेखाएं हों, तो भी आपको सरकारी नौकरी का योग बनता है। ऐसा व्यक्ति ऊंचे पद पर धन धान्य से समृद्ध होता है। तो ये योग थे कुछ जिसको मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी योग होते हैं, लेकिन वे क्लिष्ट हो जाते हैं, आम आदमी के समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पर जो आम आदमी के समझ में आने वाले नियम थे वो मैंने आपको बताए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री कृष्णा।